सुजाता अपने छोटे बेटे विहान के लिए नई नवेली गोरी चिट्टी बहू प्रेरणा को अपने घर में लेकर आती है। प्रेरणा बहुत ही सुंदर और गोरी थी, इसलिए उसके नखरे भी कुछ ज्यादा ही थे। सुजाता अपनी नई बहू को बहुत पसंद करती थी और अब उसे अपनी बड़ी बहू अनीशा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि अनीशा थोड़ी काली थी। ऐसे ही सुबह सुबह प्रेरणा के चिल्लाने की आवाज आती है। उसको चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी प्रेरणा के कमरे में आ जाते हैं। प्रेरणा के हाथ में उसका छोटा सा मिरर था और वो मिरर में खुद को देखते हुए रोने लगती है। क्या हो गया मेरी लाडली बहू को, क्यों रो रही है? सासू माँ, ये देखो ना, मेरे फेस पर पिंपल हो गया है। मुझे पहली बार ऐसा पिंपल हुआ है। इस पिंपल की वजह से मेरा पूरा चेहरा खराब दिखाई दे रहा है। अरे बेटा, ये तो मामूली सी फुंसी है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगी। तू परेशान क्यों होती है? मैं हूँ ना तेरे साथ। वैसे भी तू बहुत सुंदर है, ऐसी छोटी मोटी फुंसी से तेरी सुंदरता में कोई कमी थोड़ी ना आएगी। अरे सासू माँ, ये फुंसी नहीं पिंपल है, और मेरे चांद जैसे चेहरे पर आज तक कभी पिंपल नहीं हुआ। पता नहीं, शायद आपके घर का एनवायरनमेंट ही खराब है, अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, तभी तो मुझे ऐसा पिंपल हो गया। अरे प्रेरणा, इसमें पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। अरे पिंपल ही तो है, एक दो दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। सुबह सुबह इतना कलेश करने की क्या ही जरूरत है? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें पहली बार ही पिंपल हुआ हो। जेठानी जी, आपको क्या पता कि सुंदरता क्या होती है? आप तो वैसे ही कोयले जैसी काली हो, इसलिए आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे अपने चेहरे से बहुत प्यार है, क्योंकि मेरे चेहरे पर आज तक कभी कोई दाग नहीं हुआ। और हाँ, मुझे पहली बार ही पिंपल हुआ है ये। और नहीं तो क्या, प्रेरणा बिल्कुल सही कह रही है बड़ी बहू। पहले तू अपनी शक्ल देख आईने में, उसके बाद यहाँ बात कर। तेरे चेहरे पे तो लाख गुना दाग धब्बे पहले से ही हैं, और तुझे क्या फर्क पड़ेगा? जो इंसान खूबसूरत होता है ना, जिसके चेहरे पे एक भी दाग धब्बे ना हो, उसे अगर एक छोटी सी फुंसी भी हो जाती है ना, तो उसे बहुत फर्क पड़ता है। अरे माँ, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, छोटी सी बात पे कलेश करने की क्या ही जरूरत है? वैसे भी हम सबकी बॉडी पे कभी ना कभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हो ही जाती है, तो तुम्हें हो गया तो इस बात का बतंगर बनाने की क्या जरूरत है? सासू माँ, आप ये देख रही हो ना। अरे बेटा, तू रो मत ना, मैं हूँ ना, तेरे इस पिंपल का इलाज तो मैं दो दिन में कर दूंगी। रुक जा, मैं तेरे लिए ठंडा ठंडा बर्फ लेके आती हूँ, तो उससे ना अपने चेहरे की सिकाई कर लियो। प्रेरणा अपनी सास की लाडली बहू थी, इसलिए सास खुद फ्रिज से बर्फ लाकर अपनी बहू के पिंपल्स पर सेकना शुरू कर देती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद सुजाता के रिश्तेदार भी आना शुरू कर देते हैं। तभी सुजाता अपनी नई बहू से कहती है, प्रेरणा बहू, तेरा पिंपल पहले से बहुत कम हो गया है, चल अब रसोई में चल, आज तेरी पहली रसोई है, सभी रिश्तेदार भी आ चुके हैं, सबके लिए बस थोड़ा सा हलवा बना दे, ताकि पहली रसोई की जो छोटी मोटी रस्म होती है वो जल्दी से खत्म हो जाए, उसके बाद तो तू अपने कमरे में जाके आराम कर लियो। अरे सासू माँ, अब आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आज तक कभी किचन की शक्ल नहीं देखी, और शादी करने के बाद मैं किचन में हलवा बनाऊं? आपको पता है, खाना बनाने से मेरी खूबसूरती कम हो जाएगी, मेरा ये गोरा धमकता चेहरा फीका पड़ जाएगा। माफ करना सासू माँ, किचन में जाकर कोई काम नहीं करने वाली मैं। अरे बेटा, काम मत कर, पर कम से कम रसोई में अपने शुभ कदम तो रख दे, रसोई का जो सामान है चूल्हा है उसे छू तो दे अपने हाथों से। सासू माँ, आप सभी रिश्तेदारों के सामने मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हो क्या, ताकि लोग मेरे को देखकर ये बोले कि मेरे फेस पर तो पिंपल है? जब तक मेरा पिंपल ठीक नहीं होगा, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। गोरी बहू के कलेश से सास का दिमाग खराब हो जाता है, और वो मजबूरन अपनी बड़ी बहू के पास जाती है और उससे कहती है, बड़ी बहू, सभी रिश्तेदार आ चुके हैं और अभी तक खाने का कुछ भी नहीं बना है, अब तू ही रसोई में जाके सबके लिए कुछ अच्छा सा बना दे। पर सासू माँ, आज प्रेरणा की पहली रसोई है, और जब तक प्रेरणा रसोई में जाकर कुछ मीठा नहीं बना देती, तब तक मैं कैसे कुछ बना सकती हूँ? अरे अरे, ऐसे कैसे नहीं बना सकती, अब तुझे ही बनाना पड़ेगा, तुझे तो पता ही है ना, जब से ये गोरी बहू आई है, जब से इसके ड्रामे और कलेश ही खत्म होने के नाम नहीं ले रहे हैं। तभी वहाँ पर विहान आ जाता है और वो अपनी माँ से कहता है, उसे पसंद भी तो आप ही ने किया माँ, अनीशा भाभी को तो आप बिल्कुल पसंद नहीं करती, शक्ल सूरत को लेकर आप अपनी छोटी बहू के पीछे पड़ी रहती हो, और जब काम आता है तो काम आने के बाद आपको भाभी याद आ जाती है। देख विहान, अब तो मेरे जले पे नमक मत डाल, कि गोरी गोरी लड़के इतनी नखरीली होती हैं। मैं तो अच्छा सोच के लाई थी इसे, कि ये घर में रहेगी तो सब कुछ अच्छे से होगा, पर ये तो एक नंबर की कलेश ही निकली, अरे इसका तो कलेश खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तभी सुजाता के घर एक डिलीवरी बॉय आता है, डिलीवरी बॉय एक बॉक्स भर के प्रेरणा के नाम का पार्सल लेकर आता है। सास डिलीवरी बॉय के पास जाती है और वो पार्सल देख कर कहती है, कितने का पार्सल है भैया? 12,000 हुआ है, अब कैश दोगे या ऑनलाइन करोगे?
क्या क्या कहा आपने? 12,000? विहान, ओ विहान, जल्दी से यहाँ और देख तेरी बीबी ने कितने महंगे पार्सल मंगवाए हैं। इसका फिर से कलेश शुरू हो गया। अरे 12,000 का पार्सल मंगवाया है क्या इसके अंदर? अरे माँ, कौन सी ऑफर डाल दिया आपने मेरे ऊपर? अरे 12,000 का सामान कौन मंगवाता है? विहान उस पार्सल के चारों तरफ देखता है, तभी नीचे प्रेरणा आ जाती है और विहान से कहती है, विहान जल्दी से डिलीवरी बॉय को पेमेंट कर दो, ये सारा सामान मेरा है। आखिर क्या मंगाया है तुमने? अरे विहान, ये सारा मेरा स्किन का केयर प्रोडक्ट है। शादी से पहले मैं यही सारे प्रोडक्ट यूज करती थी। बहुत एक्सपेंसिव है ये, और मुझे लगता है शायद मैंने कल रात ठीक से स्किन केयर नहीं किया था, इसलिए मुझे ये पिंपल हुआ है। क्या क्या कहा तुमने? अपने मुंह पे थोपने के लिए क्रीम पाउडर में तुमने 12,000 फूंक दिए? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? विहान पहले पेमेंट तो कर दो, बाकी की बातें हम बाद में कर लेंगे। मजबूरन विहान को ही पेमेंट करना पड़ा। प्रेरणा की इस हरकत से सास का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद अनीशा सभी रिश्तेदारों के लिए खाना बनाती है और वो सब कुछ करती है। सभी रिश्तेदार खाना खाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। रिश्तेदार के जाते ही सास और विहान दोनों मिलकर प्रेरणा से बोलते हैं, प्रेरणा ये सब क्या है? आज तूने 12,000 की शॉपिंग कर ली, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने चेहरे चमकाने के लिए। बेटा तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे पैसों की कदर करना सीख। सासू माँ, आपको ही तो गोरी चिट्टी बहू चाहिए थी ना? अब गोरी चिट्टी बहू का कलेश आपसे हैंडल नहीं हो रहा। वाह सासू माँ, गोरी चिट्टी बहू का कलेश आपसे संभाला नहीं जाता और सांवली सूरत वाली बहू के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं है। अब समझ में ये नहीं आता कि गलत आप हैं या फिर हालात गलत हैं। तू कहना क्या चाहती है? कि मैं अनीशा को पसंद नहीं करती? अरे अरे, जैसे तू मेरी बहू है वैसे अनीशा भी है मेरी बहू। मैं थोड़ा गुस्से से उसे डांट देती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। ये तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपके दिल में जेठानी जी के लिए कितनी जगह है। आप उनको सिर्फ और सिर्फ उनके रंग के लिए ही ताने देती हो सासू माँ। अरे इंसान गोरा हो या काला, वो इंसान के हाथ में नहीं होता, ऊपर वाला उसे बाय बर्थ बनाकर भेजता है। और मैंने ये जो कुछ भी किया है ना, ये मेरा प्लान था आपको समझाने के लिए कि बहू काली हो या गोरी, आपको वो घर की लक्ष्मी ही लगनी चाहिए। अच्छा, तो मतलब ये सब तेरा प्लान था ताकि तुम मुझे सबक सिखा पाए। वैसे आज ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देखकर, और कहीं ना कहीं खुद पे मुझे शर्म भी आ रही है। बड़ी बहू के साथ मैंने हमेशा ही भेदभाव किया है, पर मेरी छोटी बहू तो बड़ी बहू से भी समझदार निकली। अनीशा बहू, मैंने आज तक तेरे साथ जो भी किया है ना, उसके लिए मुझे माफ कर दे। अब से आगे मैं तेरे साथ कभी भेदभाव नहीं करूंगी। अच्छा, अब समझ में आया, ये जितना कलेश हुआ है ये मेरी माँ को सबक सिखाने के लिए हुआ है। चलो ये तो अच्छी बात है कि आपकी गोरी बहू कलेश नहीं करती है, वरना मैं तो मर जाता। प्रेरणा ने जो भी कुछ किया था वो अपनी सास को सुधारने के लिए किया था, और प्रेरणा के कलेश करने के बाद आखिरकार सास को सबक मिल ही जाता है। मनोरमा मुंबई में अपनी दो बहुओं के साथ रहती थी, जिनका नाम प्राची और कविता था। मनोरमा की दोनों बहू रसोई के काम में बड़ी ही होनहार थी। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन जब मनोरमा अपनी बहुओं के साथ बैठी होती है, तभी उसकी पड़ोसन कमला उनके घर मिठाई का डब्बा देते हुए उनसे कहती है, ये लीजिए मनोरमा बहन जी, आज ये डब्बा आप पूरा रखिए अपने पास। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे कोई भी कुछ भी कह दे, मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानने वाली। बड़ी अच्छी बात है आपकी कमला जी, अगर आज आप इतनी खुश है तो मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप हमेशा ही ऐसे खुश रहे। कितनी अच्छी हो आप, कितना सोचती हो दूसरों के बारे में, काश इस दुनिया में आपके जैसे हर कोई होता। दूसरों को कहने से पहले आप अगर खुद को बदल ले वो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। और बताइए, कब से खुद पर बदलाव ला रही हो आप? अरे मनोरमा बहन जी, आप भी कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो। आपको पता है मैंने आपको मिठाई का डब्बा क्यों दिया? मुझे कैसे मालूम होगा आपने मुझे मिठाई का पूरा डब्बा क्यों और किस लिए दिया? अब आप ही बता दीजिए, आपने क्यों दिया ये मिठाई का डब्बा? मनोरमा बहन जी, मेरा बेटा पुलिस बन गया है, उसने परीक्षा पास कर ली है, उसको अब ड्यूटी ज्वाइन करनी है, बस उसके बाद पूरा कानून अपनी मुट्ठी में, जो भी पंगा लेगा वो जेल में जाएगा। जैसे कमला अपने बेटे की बड़ी बढ़ाई करती है, तभी मनोरमा की छोटी बहू प्राची कहती है, अच्छा कमला चाची, आपका बेटा इतना बड़ा ऑफिसर बन गया है,
वो किसी को भी बिना मतलब के पकड़ कर जेल में डाल देगा। वाह क्या बात है। अरे नहीं बहू, ऐसा तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, तू गलत समझ रही है मेरी बातों को। मनोरमा बहन जी समझाइए आपकी घर की बहू को। सही तो बोल रही है, आपने जैसे कहा अगर कोई आपसे पंगा लेगा तो जेल की हवा खाएगा, इसका मतलब तो यही हुआ ना, आपका बेटा बड़ा अफसर बन गया है इसीलिए अब आप अपनी मनमर्जी करोगे। हाय क्या बात कर रही हो मनोरमा बहन जी, मैं मानती हूँ मैंने ऐसा बोला लेकिन मेरा मतलब वो नहीं था, बस खुशी के चक्कर में मेरे मुंह से निकल गया। माफ कीजिएगा कमला जी, हम आपसे मजाक कर रहे थे, देखना चाहते थे कि आप कितना सच बोलती हो। वो क्या है ना, बेटे की कामयाबी से माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हाँ ये बात तो आपने सही कही है, अपने बच्चे की कामयाबी से ही हमारा जीवन खुश है। कमला की खुशी देखकर मनोरमा भी बहुत खुश होती है, तो वहीं मनोरमा की बड़ी बहू गुमसुम थी। तभी मनोरमा और प्राची उसे उदास देखकर कविता से उसकी उदासी का कारण पूछते हैं। क्या हुआ ऐसे उदास, क्यों उदास हो? कुछ नहीं, बस कमला चाची की खुशी देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। वो भी ऐसे ही खुश हो गई थी जब मुझे कानून की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन मिल गया था। क्या तूने कानून की पढ़ाई कर रखी है? लेकिन तेरे माता पिता ने हमें तेरी पढ़ाई की बात कभी नहीं बताई, ऐसा क्या हो गया था जिसके कारण छुपाना पड़ा? वो क्या है ना माँ जी, जितने भी लड़के मुझे देखने आया करते थे वो मेरी पढ़ाई का नाम सुनकर भाग जाया करते थे, इसलिए आप सभी को नहीं बताया गया। अगर आपको बताते तो शायद आप भी रिश्ता तोड़कर चले जाते। अरे नहीं बहू, ऐसा कभी नहीं होता, मैं तो हमेशा से यही चाहती थी हमारे घर पढ़ी लिखी बहू आए, लेकिन अब मैं चाहती हूँ तू अपनी कानून की पढ़ाई करके आगे बढ़े। लेकिन माँ जी कानून की पढ़ाई करने में बहुत खर्चे होते हैं, इतने पैसे हम कहाँ से लेकर आएंगे, और अगर ससुर जी ने पूछा तो हम क्या कहेंगे पैसों के बारे में? ये सारी बातें मत सोच, मैं सब संभाल लूंगी, मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, उसी से तेरी कानून की पढ़ाई करवाऊंगी, बस समय का इंतजार है। जा खाना बना ले, वरना तेरा भूखा थका हुआ पति आएगा और खाना नहीं मिला तो गुस्सा करेगा। कविता खाना बनाती हुई मनोरमा की बातें सोचती है और मन ही मन मुस्कुराती है। अब उसे आगे की पढ़ाई करने से उसकी सास को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन कविता अपनी सास से कहती है, माँ जी आपने कहा था मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करने में मदद करेंगी, माँ जी मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, कब से जाऊँ? बहू अभी तू नहीं जा सकती, ऐसा कर कुछ दिनों बाद चली जाना, वो क्या है ना घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तू घर की बड़ी बहू है, अगर तू ही घर पर नहीं रहेगी तो कैसे चलेगा? लेकिन माँ जी मैंने पूरे घर का काम कर दिया है और खाने की पूरी तैयारी भी कर दी है, छोटी खुद बना लेगी। बहू जब मैंने कह दिया है कि बाद में चली जाना अपने कानून की पढ़ाई करने, तो बस मान ले मेरी बात और जाकर रसोई संभाल। लेकिन माँ जी आपने तो मेरा साथ देने की बात की थी, तो अब क्या हुआ? हाँ बहू मैंने कहा था, लेकिन अभी मैंने मना भी तो नहीं किया है तुझे पढ़ने से, जब खाना बना ले सभी मेहमानों के लिए, वो लोग कभी भी आ सकते हैं, जा छोटी को भी बुलवा ले। कविता मनोरमा का ऐसा बर्ताव देखकर हैरान थी, जो सास कुछ दिन पहले साथ देने की बात कर रही थी आज वो उसकी कोई बात नहीं सुन रही। कविता भी अब रसोई में अपनी वकालत की किताब लेकर जाती है और खाना बनाते हुए पढ़ाई भी करती। तभी वहाँ प्राची आकर उससे कहती है, क्या हुआ कविता दीदी आप कॉलेज नहीं गई? आपको माँ जी ने कहा था कॉलेज जाने के लिए, फिर क्या हुआ? क्या कहूँ प्राची, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, माँ जी का बर्ताव अचानक से ऐसे कैसे बदल गया, अब तो वो मुझे कॉलेज जाने से भी मना कर रही हैं, जाने भी नहीं दे रही हैं। कुछ तो लफड़ा है कविता दीदी, वरना माँ जी इतनी खुश थी अचानक से क्यों बदल गई? किसी ने कुछ कह दिया क्या उन्हें, इसलिए शायद ऐसा कर रही हो? मुझे नहीं लगता प्राची ऐसा कुछ हुआ भी होगा, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो माँ जी हमसे क्यों छुपाएंगी? शायद वही नहीं चाहती होंगी आप आगे की पढ़ाई करो या इस घर में वकील बनकर आओ, ऐसा करने से शायद घर की इज्जत चली जाएगी। अब कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अब अपनी पढ़ाई पूरी कर रहूंगी, सपने माँ जी ने दिखाया था तो अब वो सपनों को पूरा करना मेरा कर्तव्य है, अब मैंने फैसला कर लिया है कि कुछ भी हो जाए पढ़ाई तो मुझे करनी ही है। हाँ आप अपनी पढ़ाई पूरी करो, मैं आपके साथ हूँ, मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाई लेकिन आप जरूर पढ़ो,
और सबको दिखा दो। कानून की पढ़ाई करने वाली बहू रसोई भी बहुत अच्छे से संभालती है। कविता अब रसोई का काम करते हुए कानून की पढ़ाई कर रही थी। जब भी उसे वक्त मिलता तो किताबें लेकर बैठ जाया करती। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन कविता अपनी सास मनोरमा से कहती है, माँ जी आपने मुझे मना कर दिया था कानून की पढ़ाई करने से, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अब आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं परीक्षा लिखकर पास हो जाऊँ। मेरे मना करने के बावजूद तुमने अपनी पढ़ाई की, तो खुद को आशीर्वाद दो और जाओ परीक्षा देने, इसमें मेरे आशीर्वाद की क्या जरूरत है? माँ जी ऐसा मत बोलिए, मैं चाहती हूँ मेरे आने वाली परीक्षा में आपका पूरा साथ हो। बहू है तू और मैं चाहती हूँ तू बहू जैसे रहा कर, ज्यादा कानून की पढ़ाई और कानून झाड़ा मत कर, मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। बड़ी आई कानून की पढ़ाई करने वाली, खाना बना ले, ये सब बकवास सपने देखने छोड़ दे। माँ जी ये सपना भी तो आपने ही दिखाया था, वरना मैंने तो ये सपना कब का पीछे छोड़ दिया था। अगर उस दिन आपने मुझे पढ़ने के लिए ना कहा होता तो आज ये सपना भी मैं ना देख रही होती। कविता की बात सुनकर मनोरमा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। जब कविता अपनी कानून की पढ़ाई पूरी कर वकील बन चुकी थी, कविता को कामयाब होता देखकर मनोरमा, प्राची और उसकी पड़ोसन सभी खुश थे। तभी कमला मनोरमा से कहती है, वाह मान गए मनोरमा जी, आपकी बहू तो मेरे बेटे से भी ज्यादा कामयाब हो गई। आज आप कितनी खुश हो? खुशी बयां नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मेरी कानून की पढ़ाई करने वाली बहू ने आज तक रसोई के काम में कोई कमी नहीं रखी, इसलिए मुझे आज अपनी बहू पर खुशी से ज्यादा गर्व हो रहा है। इतनी परेशानियां होने के बावजूद आज मेरी बहू कामयाब ही हो गई। आखिरकार मनोरमा की कानून की पढ़ाई करने वाली बहू रसोई में पढ़ाई करके कामयाब हो ही गई। अब मनोरमा अपनी बहू की वजह से अपना सर गर्व से उठाकर चला करती थी। सविता की दो बहुएं थी, काली बहू मालती और गोरी बहू सुधा। सुधा मालती की जेठानी होती है। दोनों देवरानी जेठानी में बिल्कुल सगी बहनों की तरह प्यार था। एक दिन मालती और सुधा दोनों ही घर के काम कर रही थी और सविता हॉल में बैठकर अखबार देख रही थी। तभी सविता की पड़ोसन कुंती हाथ में मिठाई का डब्बा लिए आती है। ले सविता मुंह मिठा कर, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या हो गया, तू इतनी खुश क्यों है और मिठाई किस खुशी में बांट रही है? कौन सी लॉटरी लग गई तेरी? अरे लॉटरी लगने से भी बड़ी बात है सविता। नाचती रहेगी या कुछ बोलेगी भी? अब बोल, मुझे और भी काम है। अरे बात ऐसी है कि मैं दादी बनने वाली हूँ, मेरी बहू पेट से है, बस इसी खुशी में पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रही हूँ। ये तो बड़ी ही अच्छी खबर है, पता नहीं मेरे नसीब में ये खुशी कब आएगी। मेरी दो दो बहुएं हैं पर एक को भी बच्चा नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सही बोल रही है, तेरी बहू की शादी को तो एक साल हो गया है फिर भी बच्चा नहीं हो रहा। सविता एक काम कर, तो इनको डॉक्टर के पास ले जा, शायद वहाँ से कोई मदद मिल जाए। हाँ तो सही कह रही है, ये दोनों तो खुद जाएगी नहीं, लेकिन इन दोनों को कल ही डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। हाँ एक बार चेक करवा ले, चल अब मैं चलती हूँ, पूरे मोहल्ले में मिठाई जो देनी है। कुंती सविता को मिठाई देकर चली जाती है। कुछ देर बाद सुधा और मालती दोनों साथ में आते हैं और कहते हैं, कौन आया था माजी? कुंती आई थी मिठाई देकर गई है। मिठाई किस खुशी में देकर गई है? अरे उसकी बहू पेट से है, वो दादी बनने वाली है, इसीलिए पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रही है। अरे अभी तो 4 महीने पहले शादी हुई है ना, फिर इतनी जल्दी बच्चा कैसे? ये तो तुम दोनों सोचो कि उसकी अभी 4 महीने पहले शादी हुई है, वो माँ बनने वाली है, और तुम दोनों की शादी को एक एक साल हो गया है, पर तुम दोनों में से एक ने भी खुशी नहीं दी है अभी तक। पर माँ जी जरूरी तो नहीं है ना कि सबको बच्चा एक साथ हो, सबकी फैमिली प्लानिंग अलग अलग होती है। तू तो ज्यादा ज्ञान मत दे, मेरा भी मन है कोई मुझे दादी बोले, घर में बच्चे की किलकारी गूंजे, मैं भी खुशी खुशी मोहल्ले में मिठाई दूं। सविता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं और एक दिन अचानक से मालती को उल्टियाँ होने लगती हैं। उल्टी करते हुए सविता उसे देख लेती है और उसके पास जाकर कहती है, क्या हो गया तुझे, ठीक तो है ना, चल चल उठ यहाँ से। माँ जी पता नहीं क्या हुआ, अचानक से चक्कर आने लगा और उल्टियाँ शुरू होने लगी। एक काम बोल दो, बस कमजोरी आ जाती है, काम न काज के दुश्मन अनाज की, चल डॉक्टर के पास। सविता मालती को डॉक्टर के पास ले जाने वाली ही होती है कि तभी कुंती आती है। क्या हो गया मालती को, इसको कहाँ ले जा रही है?
अरे इससे थोड़ा काम बोल दो कि चक्कर और उल्टी आने वाली होती है। बहुत ज्यादा ही नाजुक से पाला है इसकी माँ ने। एक मिनट रुक जा, जरूरी नहीं है कि काम की वजह से चक्कर और कमजोरी हुई हो, कुछ और भी कारण हो सकता है। हो सकता है ये पेट से हो, मेरी बहू को भी ऐसे ही हो रहा था। चल तू फालतू की बात मत कर, अभी कुछ दिन पहले बिल्कुल ठीक थी, तो अभी अचानक पेट से कैसे होगी। रुक मालती बेटा, तू बता कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है क्या तेरा, और जी अजीब सा लग रहा हो। हाँ आंटी जी, सुबह से 4 बार अचार खा चुकी हूँ। ले सविता, तू भी दादी बनने वाली है, तेरे घर भी खुशी आने वाली है। कुंती इधर सविता और मालती से बात कर रही थी, तभी अंदर से सुधा हाथ में अचार खाते हुए बाहर आती है। क्या हो गया, मालती को सारे घेर कर क्यों बैठे हो, ठीक तो है ना मालती। अब सभी सुधा को अचार खाते हुए शक की नजरों से देखते हैं। तभी सविता कहती है, मालती तो ठीक है, पर तू अचार क्यों खा रही है, तू ठीक है ना। माँ जी, 2 दिन से पता नहीं क्या हुआ है, उल्टी हो रही है और खट्टा खाने का मन भी कर रहा है, आज सोचा डॉक्टर को दिखा देती हूँ। ले सविता, अभी तक एक भी बच्चा नहीं था, अब तेरी दोनों बहुएं एक साथ पेट से हैं, तेरे घर में एक बच्चे नहीं 2 बच्चे आएंगे। हाँ कुंती, तू सही कह रही थी, आज मैं भी पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगी, इन दोनों ने मुझे बहुत अच्छी खुशखबरी दी है। सविता दोनों बहुओं को गले से लगाती है और खुश हो जाती है। ऐसे ही महीने निकल जाते हैं और दोनों की प्रेगनेंसी को 6 महीने गुजर जाते हैं। सविता दोनों बहुओं को एक जैसा ही ख्याल रखती, दोनों को खाना खिलाना, बालों में तेल लगाना, सारी सुविधाओं का ध्यान रखती। ऐसे ही एक दिन सविता की दूर की मौसी फुल्की देवी घर आती है और सविता को आवाज लगाते हुए कहती है, ए सविता बिटिया कहाँ है रे, देख तेरी मौसी आई है। अरे प्रणाम मौसी जी, आप आज यहाँ कैसे। अरे अब तोहर घर आने के वास्ते तुसे पूछना पड़ेगा क्या। नहीं नहीं मौसी जी, आप तो बहुत सही समय पर आई है, मेरी दोनों बहू पेट से है और अब आप ही दोनों की डिलीवरी करवाओगी। क्या बात है, दोनों बहू पेट से हैं, जरा दोनों को बुला तो देखूं कैसा है दोनों का बच्चा। सविता माती और सुधा दोनों को ही आवाज लगाकर बाहर बुलाती है। ये कौन है माँ जी। ये मेरी दूर की मौसी है, ये तुम दोनों को देखेगी, तुम दोनों की अच्छे से देखभाल करेगी, क्योंकि तुम दोनों का पहला बच्चा है ना। हाँ बहुरिया, चलो दोनों बैठ जाओ, यहाँ पर एक एक करके देखती हूँ। फुल्की देवी दोनों को देख लेती है और वापस अपने अपने कमरे में भेज देती है। सुधा और मालती दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए वहाँ से जाती है। दोनों में इतना प्यार देखकर फुल्की सविता को कहती है, सविता तेरी एक बहू तो बहुत काली है और एक बहू गोरी है, काली बहू का बच्चा बिल्कुल काला होगा और अगर काली बहू की परछाई गोरी बहू के बच्चे पर गई तो सुधा का बच्चा भी काला होगा। क्या मौसी जी, ऐसा भी कभी हुआ है क्या, आप फालतू में दिमाग में उल्टी सीधी बातें मत डालो। अरे होवत है बिटिया, नहीं तो तू देख लियो, जब बच्चा होगा तो सुधा को काला बच्चा होगा और मालती को गोरा होगा। कोई बात नहीं मौसी जी, बच्चा तो भगवान का रूप होता है, चाहे जैसा भी हो। आपने मुझे ये बात बोल तो दी, लेकिन किसी और को मत बोल देना। सविता फुल्की को सुना कर चली जाती है। सविता को अपनी बहुओं का इतनी तरफदारी करता हुआ देखकर फुल्की को गुस्सा आता है और वो सोच लेती है कि सविता को नहीं बल्कि वो सुधा के दिमाग में ये चीजें भर देती है। फुल्की सुधा के कमरे में जाती है और कहती है, सुधा बहू और कैसी है तू। अरे दादी जी आइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ कि आप यहाँ क्यों आई हो, आप मुझे बुला लेती मैं आ जाती। अरे नहीं नहीं, मैं तो तुझे बता देती हूँ कि तू अपनी देवरानी से दूर रहियो, अगर उसके साथ रहेगी तो तेरे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा और वो काला रंग का पैदा होगा। सुधा के दिमाग में फालतू की बातें डालकर फुल्की देवी चली जाती है और सुधा को भी शक हो जाता है।
वो मालती को अब कभी भी अपने कमरे में नहीं आने देती और उससे दूर ही रहती। मालती को कुछ भी समझ नहीं आता और वो भी उससे दूर ही हो जाती। दिन बीतने लगते हैं और दोनों की डिलीवरी की डेट आ जाती है। दोनों ही एक सुंदर से बेटे को जन्म देती हैं। पुलकी की कही बात सही हो जाती है और मालती ने एक बहुत ही गोरे बच्चे को जन्म दिया और सुधा ने सांवले बच्चे को। दोनों हॉस्पिटल में एडमिट थी। सुधा की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसका बेटा सांवला है और मालती का बेटा बिल्कुल गोरा। मालती, मैंने तुझे हमेशा छोटी बहन जैसा प्यार दिया और तूने मेरा बच्चा बदल लिया, तुझे शर्म नहीं आती है क्या? कैसी बात कर रही हैं आप? मैं क्यों आपका बच्चा बदलूंगी, ये मेरा ही बच्चा है। तू इतनी काली है और तेरा बच्चा गोरा कैसे हो सकता है, ये मेरा बच्चा है। ये सब पास में खड़ी सविता सुन रही होती है। सविता सुधा पर चिल्लाते हुए कहती है, तू चुप हो जा सुधा, तेरे दिमाग में गोबर भरा है क्या? ये बच्चा मालती का ही है। मेरे सामने तुम दोनों ने बच्चे को जन्म दिया है तो बच्चा बदल कैसे सकता है, और ये तेरा बच्चा क्यों लेगी? सविता के बहुत देर तक समझाने के बाद और सबूत दिखाने के बाद सुधा को यकीन हो जाता है कि उसका बच्चा किसी ने नहीं बदला। वो हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगती है। दोनों को घर लाते हैं और बहुओं के पहले बच्चे का स्वागत बड़े ही धूमधाम से करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।